तो आप लोग मुझको बताओ कि एक हफ्ते के बाद ये होते हैं या सूख जाते हैं। चार यूरो में 80 लीटर हमको मिट्टी मिला है। हेलो, हरे कृष्णा, कैसे हो आप सब लोग? एंड ये हमारी कुकू यहाँ बैठी है, आज गार्डन में बैठी धूप सेक रही है क्योंकि बहुत अच्छी धूप हो रखी है ना। कुकू क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, बताओ क्या कर रहे हो? धूप सेक रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो यहाँ, बताओ? नहीं बताओगे? अच्छा, कह रही मैं धूप नहीं सेकूंगी, इसको आदत हो गई धूप नहीं सेकने की। तो आज हम लोग गार्डन में हैं अपने, बहुत गंदा हो रखा है एक्चुअली गार्डन, हमने साफ ही नहीं किया, कभी धूप ही नहीं होती यहाँ पे। तो एक दो हफ्ते से एक्चुअली हम लोग खुदाई कर रहे थे, पूरी घास हो रखी थी यहाँ पे। पहले गार्डन ऐसा था, मैं आपको दिखाती हूँ कि गार्डन पहले कैसा था। अभी एक लाइन खींचा है, ये पूरा लंबा सा खेत है, पूरा बड़े बड़े हरा घास हो रखा था इसमें। हमने इसमें ऐसा कुछ वो केमिकल इसको पूरा घास को जला दिया है, अब पूरा घास जल गया है। अब इसमें कुछ टमाटर, धनिया, आलू सब उगाने वाले हम, ऐसे करके खोदना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कितना कर सकते हैं हम खोद खोद के इसको। ये अब हमने खोदना स्टार्ट करा है गार्डन को, बहुत ज़्यादा है, आई होप हम खोद पाएंगे, कर पाएंगे। अब हम लोगों ने, मैंने एंड किशन ने खूब खुदाई की है, अब ये ऐसा हो गया है, पूरा घास निकाल के हटा के, बल्कि अभी पीछे देखो, पीछे पूरा घास भरा पड़ा हुआ है, उधर सारा गंदगी हमने अभी इधर पीछे जमा कर रखा है। इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा हमको साफ़ करने में, तो अभी साफ नहीं कर रहे हैं उसको। फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि इस गार्डन में क्या डालें। पूरा मैंने इसमें ऐसे लाइन लाइन डाल दिए ताकि पानी अगर बारिश हो तो साइड नीचे को ऐसे निकल जाए। तो ये आधा हिस्सा ये है और आधा ये है, ये भी पूरा खोद के रखा है, अभी खोदा हुआ है, अभी इसको इक्वल नहीं किया है, इक्वल करके इसमें भी लाइन लाइन बनाने हैं अभी। तो इसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ इस गार्डन को छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं। एंड इसमें जिसको मैंने इक्वल कर लिया पूरा, इसका मिट्टी इक्वल करके लाइनें इसमें डाल दी हैं, इसमें सोच रही हूँ क्या क्या लगाऊँ अब। तो प्लीज़ आप मुझको बताएं कि क्या करना चाहिए। और हमारे कुकू को भी है, कुकू देखो, कुकू पूरा गार्डन के दोनों बीचों बीच में बैठी हुई है। ये वाला हिस्सा कुकू गार्डन है, ये कुकू वाला गार्डन है जो हमने इक्वल कर लिया है, एंड ये वाला गार्डन कुकू के पापा का है। तो मेरा कोई गार्डन नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, मैं सिर्फ काम करने वाली हूँ। मुझे इन्होंने सिर्फ काम करने के लिए रखा है। तो आप लोग मुझको बताओ कि मैंने कभी वैसे सब्जी ऐसे उगाया नहीं। हम लोग जब अपने घर पे भी रहते थे तो मम्मी चाची वो लोग करते थे, तो हमने कभी किया ही नहीं, मैंने तो स्पेशली कभी नहीं किया सब्जी उगाना, ये करना। ये तो मिंट मैंने यूट्यूब से देख के लगाया था, एंड ये पम्पकिन का पेड़ ऐसे हो गया। तो अब क्या करना चाहिए मुझको, क्या उगाना चाहिए, कैसे उगाना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताएं आप सभी लोग। एंड और अभी सोच रही हूँ, मैंने कुछ देखे थे यूट्यूब से कि लोग कैसे बीज उगाते हैं, तो उसको मैं मिट्टी लेने जाने वाली हूँ, थोड़ा बाहर से मिट्टी लाऊंगी क्योंकि ये मिट्टी पता नहीं कैसी है, इसमें कुछ होगा नहीं होगा, आई डोंट नो।
तो बाहर से सोच रही हूँ मैं कुछ मिट्टी लेके आती हूँ 20-30 लीटर के आसपास, ताकि अगर छोटे छोटे गमले में पहले उगा के देखती हूँ कि होता है नहीं होता पेड़। मैंने टमाटर के पेड़ भी लगाए भी, मैं दिखाती हूँ कैसे हो रखे, छोटे छोटे हो गए वो टमाटर के पेड़, एक दो तीन तो बड़े काफ़ी बड़े हो गए हैं, एंड छोटे छोटे टमाटर भी हो रखे हैं, धनिया भी हुआ था, पर धनिया हमने कुछ खा लिया, कुछ उसमें हमने वो पानी था ना, घास को जलाने वाला पानी था, वो किशन ने उसके ऊपर छिड़क दिया, तो पूरा धनिया और वो सब खराब कर दिया मेरा। तो अब मैं दोबारा से करने वाली हूँ। देखो मेरे टमाटर का पेड़ कितना बड़ा हो गया है, इसमें छोटे छोटे वाले भी आ रहे हैं अभी, इसमें थोड़ा मिट्टी डाल के आई थिंक मुझको वो करना पड़ेगा, बिकॉज इसके रूट्स दिखने लग गए। तो ये टमाटर के पेड़ तो हो गए बड़े, एंड मिंट, एंड ये, एंड बाकी यहाँ पे बहुत सारे हो रखे हैं, वो छोटे छोटे हैं अभी, वो बाद में दिखाऊंगी, फिलहाल तो अभी यही हो रखा है मेरे गार्डन में, गमले में, बाकी गार्डन में लगाना है, गार्डन बहुत गंदा है, तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं अपने गार्डन का। तो ये इतना हो गया, मैं सोच रही हूँ इस टमाटर को पेड़ को निकाल के, इसमें से निकाल के इसको इसमें लगा देती हूँ, खेत के अंदर लगा देती हूँ, मिट्टी में तो अच्छे से हो जाएगा ये। चलो एक लाइन में तो टमाटर लगा देती हूँ, एक लाइन में टमाटर का पेड़ हो जाएगा, बाकी लाइन में क्या लगाऊँ, बाकी लाइन के लिए क्वेश्चन मार्क हो गया कि और क्या लगाऊँ जो आसानी से हो जाए, एंड जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना करने पड़े और सफाई करने का और उसको मेंटेन करने का ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। ये मैंने ऐसे गड्ढे से बना लिए हैं, ये मेरे टमाटर के पेड़ हैं, तो अब देखते हैं इसमें मैं ऐसे लगाने वाली हूँ, एंड देन उसके बाद अगले हफ्ते देखूंगी कि ये होते हैं या सूखते हैं। देखो मैंने अपने टमाटर को, ये टमाटर के पेड़ को मैंने ऐसे लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया है, बिकॉज़ थोड़े लंबे हैं ये, गिर रहे थे नीचे, तो अब मैंने ऐसे करके इनको थोड़ा खड़ा किया है। चलो अगले हफ्ते देखते हैं इनको ये सूखते हैं या फिर हो जाते हैं। चलो अब टमाटर के पेड़ तो लग गए हैं, एंड अब देखते हैं अगले हफ्ते तक ये सूखते हैं या होते हैं इनमें टमाटर, एंड आप लोग भी मेरे संग देखोगे अगले हफ्ते कि अगले हफ्ते इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, और मुझसे पूछना जरूर कि क्या हुआ, कि सूख गए या नहीं सूखे या हो गए सही से हो रहे हैं। एंड बाकी गार्डन के लिए आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या लगाना चाहिए इसमें, और है ना कुकू, अच्छा ये रोई रोई करने लग गया, चलो फिर हम चलते हैं, है ना, रोना है ना अपना, अच्छा नीचे गार्डन में जाऊंगा कल, मैं भी लगाता हूँ मल्टी टमाटर के पेड़, इसका यह हाल है। चलो इसको थोड़ा गार्डन में घुमाते हैं, इसके का इससे काम करवाती हूँ थोड़ा सा, एंड आज जाती हूँ, अभी धूप मौसम अच्छा है, तो हम लोग जाते हैं मार्केट, मार्केट में देखते हैं कहाँ क्या मिलता है, ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, शाम हो चुकी है ऑलरेडी, तो मिट्टी लेके आते हैं फिर वापस मिलते हैं गार्डन में क्या करें करके, तब तक आप कमेंट छोड़ो कि हम गार्डन में क्या बनाएं और क्या लगाएं। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट गार्डन का सामान लेने के लिए, चलो गार्डन होम बेस में जाएंगे ना, हाँ होम बेस सबसे सस्ता शॉप है गार्डन का सामान के लिए, बाकी तो वुडीज एंड बीबीक्यू दी शॉप्स ये भी हैं, पर थोड़ा एक्सपेंसिव है, होम बेस में मोस्टली सब चीज़ें मिल जाता है। गाइस कुकू आ गया है, होम बेस बंद था, पर हम लोग आए हैं मिस्टर प्राइस में, तो कुकू कहाँ जा रहा है, कुकू भाग गया, कुकु कुकु आ गई, चलो हम लोग भी चल। ओ यहाँ पर देखो हेलोइन आने वाला है, तो हेलोइन का सामान आ गया है, सके वी केम है स्पेशली फॉर मिट्टी, ऑल पर्पस, या दिस इज द मल्टी पर्पस वी नीड, दिस वी गोना टेक, ये हम ये मिट्टी लेके जाने वाले हैं अपने गार्डन के लिए। आप लोग देख सकते हैं हम लोग मिस्टर प्राइस में, आज मिस्टर प्राइस से मिट्टी तो मिल गई इनको बाहर, पर बाकी चीज़ें देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या लेना है इनको, ये तो सब कलरिंग है, ये मैं थोड़ा बाद में लूँगी,
फिलहाल हम गार्डन का सामान लेने आए हैं किशन, आ जाओ गार्डन का सामान क्या क्या है वो देखते हैं। अगर मैं ये देखने लग गई ना अभी तो फिर इसमें से मुझको लेना ही पड़ जाएगा सारा। देखो गाइस यहाँ पे सब लोग गार्डन का सामान हम लोग ये भी ले लेते हैं एक छोटू सा। एक हमको कुकू का पॉटी भी लेना पड़ेगा छोटू सा, कुको भी छोटू सा है तो ये लेते हैं, 2 यूरो का है, देखो कितना सस्ता है। बड़े वाले भी हैं पर वो 2 साल से ऊपर के लिए हैं, तो ये छोटू सा एक हमने ले लिया है चुचू का पॉटी। एंड बाकी यहाँ पे सामान काफ़ी सस्ता मिल जाता है एक एक दो यूरो में। आपको कुछ लेना है कुकू को, कुछ और लेना है कुकू? अब हम जाएंगे मेरा फेवरेट जगह में। तुम्हारा फेवरेट जगह कौन सी है भाई? हाँ भाई लेट्स सी किशन की फेवरेट जगह कौन सी है। ओह मीठा मीठा बिस्किट्स किशन के फेवरेट्स है। ये देखो बिस्किट एंड चॉकलेट्स का प्राइस 1.29 यूरो, तो इसका मतलब 100 यूरो का नहीं 100 रुपये का, ये 100 रुपये के एक बिस्किट्स के पैकेट्स हैं। अभी 1 यूरो का दाम कितना है 80 रुपये, अभी 1 यूरो 80 रुपये है, तो ये है 1 यूरो 29 सेंट यानी 30 सेंट 1.30। यहाँ के हिसाब से तो सस्ता ही है, इंडिया के हिसाब से हम कहेंगे और 100 रुपये का बिस्किट का पैकेट है नहीं लेते। एंड ये हैं ग्लासेस, किचन का सामान है इधर सब। तो एक ही दुकान में सब मिल जाता है, किचन से लेके गार्डन से लेके बाथरूम बेडरूम्स हर तरह का सामान मिल जाता है। अभी हम वैसे गार्डन के लिए आए थे पर क्या करें फिर घूमने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ दिख जाता है कि अरे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। देखो ये कुकरी संग मिट्टी आ रहा है। सो हमने अभी दो पैकेट लिए हैं खे। ओके बिस्किट मिस्टर प्राइस का शॉप। अब हम लोग जा रहे हैं घर मिट्टी लेके एंड लेट्स सी अब गार्डन में कल काम करेंगे क्योंकि आज तो बहुत अंधेरा हो गया है, तो आज तो करने से रहे आज मिट्टी खरीद लिया वही काफ़ी देर हो गया। हम बहुत दिनों से खरीदने के लिए आने वाले थे, कभी शॉप में मिट्टी ख़त्म हो जाती है कभी इस शॉप में नहीं है, ऐसे करके रोज़ ऐसा ही हो रहा था। तो आज फाइनली हमने ले लिया है, बहुत सस्ता मिल गया। कितने का लिया? 4 यूरो में 80 लीटर, 4 यूरो में 80 लीटर। हाँ 4 यूरो में 80 लीटर हमको मिट्टी मिला है। तो ये देखो हमारी कुकू को भूख लग गई है और कैसे खा रही है। क्या कह रहे कुकू, कुछ कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहे कुकू बोलो? हाँ कह रहे वो, हाँ और खाएगा और खाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं घर को, सी यू गार्डन में मिलते हैं।